नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। कहते हैं कि वो शंकर के साथ खाना नहीं खाएंगे, वो दो कौड़ी का आदमी। धीरे से बोल बेटा। और वो कहते हैं तू मान के वक्त में उनके साथ खड़े नहीं रहेंगे। अच्छा तू जा, हम देख लेते हैं। अब क्या होगा? मैं भी यही सोच रही हूँ। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ऐसा क्यों न करें? क्या शंकर और पार्वती को मान भागने दे? जैसे आप लोगों की मर्जी। फिर पार्वती को ठीक से समझा देना। माँ ठीक है, माँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या ठीक है माँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। माँ तुम कुछ छुपा रही हो। नहीं बेटे, तुमसे क्या छुपाऊं? नहीं माँ, तुम जरूर कुछ छुपा रही हो। आखिर क्या बात है? तुम्हें मेरे घर पर तेरा और शंकर का मान हम बाद में करेंगे। माँ सर पर उठा रखी है। क्यों? उसकी नथ खो गई। नथ खो गई? कैसे? क्या पता। चलो मैं देखती हूँ। कहीं और तो नहीं भुलाई दीदी? नहीं कामिनी, मुझे अच्छी तरह से ख्याल है। बेटी कहाँ रखी थी? यही थी माँ। फिर जाएगी कहाँ? यही कहीं होगी, अच्छी तरह से ढूंढ ले। मिल जाएगी। तुम तो खाम के तुझसे लेते रही हो। तो क्या किसी ने चुरा ली? जबान न खुलो भैया, तो देख डाले सिर्फ पारो का। क्या बात है पारो? पारो रही हूँ पिताजी। कहाँ? अपने घर, अपनी उस झोपड़ी में जहाँ अपना कोई अपमान करने वाला नहीं। लेकिन क्या हुआ? ये ना आपको पूछना चाहिए ना मुझे बताना चाहिए। यहाँ की हर बात हर एक को अच्छी तरह मालूम है। पारो पिताजी, पारो मेरी बात का बुरा मान रहे। बस पगली कही
बड़ी बहन की बात को कोई बुरा माने? मगर यहाँ तो बात चोर और साहूकार की है। विश्वास को ठेस लगने के बाद अब और क्या रखा है इस घर में मेरे लिए पिताजी? पारो, पारो, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। न जा पारो, न जा। नहीं दीदी, तुम मुझसे बड़ी हो, कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। बेटी, इन्हें जाने दो, कलेजे पर पत्थर रखकर हर एक को मनमानी करने दी। अब इसकी एक जिद तो पूरी होने दो। रामू, बेटी, बेटी ठहर जा। बेटी, नहीं माँ, पहले ही इतना पा चुकी हूँ इधर से कि बा और कुछ लेने की जरूरत ही नहीं रह गई। बेटी दुखी मत हो माँ, ये जो कुछ मैं पहने हुई हूँ वो भी तो तेरी कृपा से है। नहीं लेती है तो ना ले, अगर इतना ईमान जताना था तो फिर यहाँ आई क्यों थी, हम लोगों का मजाक उड़ाने? तू ही रह करता प्रताप कहने को, सो तूने भी कह लिया। मालकिन, रामू जी। मालकिन, सावित्री की नथ मिल गई। वो तो कब की मिल गई मालकिन, छोटे मालिक कह रहे थे बड़ी बिटिया के कपड़ों ही में थी। कामनी की शादी में खोई हुई नथ मिल गई और अपना बड़ापन भी रह गया। मगर सावित्री, शंकर और पारो का जो अपमान हुआ उसकी भरपाई नहीं हो सकी और हो भी नहीं सकती। उन लोगों ने अपनी गरीबी में जो अपना मान रखा है वो बड़े बड़े आमिर भी नहीं रख सकते। मुझे तो उनकी जिंदगी पर रश्क होने लगा है। हम झूठी शान पर मरे जाते हैं और वो अपनी सीधी सादी जिंदगी में मजे ले रहे हैं। और सच पूछो तो उनकी सादगी के आगे अपनी सारी तड़क फड़क मंद पड़ गई। चाहते वक्त पारो आदर्श की इतनी महान शक्ति मालूम होती थी कि मैं उससे माफी मांगने पर मजबूर हो गई। तुमने पारो से माफी मांगकर मेरे दिल में वो जगह बनाई है सावित्री, जो तुम्हारी असली जगह है। सच? पारो, मैं तेरा एहसान जिंदगी पर नहीं भूलूंगी। तेरी वजह से मैंने अपने पति को पा लिया है और मैंने अपनी जिंदगी को। अब हम भी अपने आप को उसी सांचे में डालकर अपने जीवन को स्वर्ग बना लेंगे और हमारी भटकती हुई सुख शांति भी अपने घर वापस आ जाएगी। अब तो क्लब नहीं जाओगे ना? माँ दवा नहीं पी रही पिताजी। ला मुझे तो। नहीं नहीं, उठो नहीं, उठो नहीं, उठो। दवा पी लो। वैसे ही मुख कड़वा हो रहा है। कब तक यूं ही बगैर दवा के पड़ी रहोगी? लो, मुझ पर दया करो और दवा न पिलाओ। कैसी बच्चों जैसी जिद कर रही है। जिद करके भी क्या करूं, कौन मेरी जिद पूरी करने वाला है? कमाल, मैं जो बोलो क्या चाहती है? सच करोगे मेरी जिद पूरी? हाँ, कहते दिया, बोलो ना। प्रताप की दुल्हन देखना चाहती हूँ, उसकी शादी में पारो और शंकर को ले आओ और उन्हें सीने से लगा लो, उनका मान पान अच्छी तरह करो ताकि उनके टूटे हुए दिल फिर से जुड़ जाए। मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगे ना? करोगे ना? हाँ करूंगा। लो दवा पियो।
प्यारे प्रताप पार्वती क्या किसका खत है मेरी बहन पारो का वो शादी में क्यों नहीं आई क्या लिखती है प्रिय प्रताप खुश रहो मेरे प्यारे भैया इस गरीब बहन की इस छोटी सी भेंट का स्वीकार कर लेना तुम्हारे शादी में आने की बहुत इच्छा थी लेकिन भैया कहने की माफी चाहती हूं कि मैं गरीब हूं और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी और पिताजी की शान में कोई आंच आ जाए इसलिए मेरा न आना ही ठीक है किंतु भैया यदि मैं यहां हूं फिर भी मेरी आंखें और मेरा दिल तुम्हारे साथ है भगवान करे मेरी भाभी रूप और गुणों में देवी हो उसे सदा सुखी रखना और एक बात का ख्याल रखना प्रताप आदमी को रूप से ज्यादा गुणों से ही प्यार करना चाहिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी सीता बने तो तुम्हें राम बनने की कोशिश करनी पड़ेगी भगवान तुम दोनों को सदा सुखी रखे यही इस गरीब बहन का आशीर्वाद तुम्हारी पारो कितने ऊंचे विचार हैं हालात से करीब होते हुए भी दिल से तो वो हमसे भी ज्यादा धनवान है और शायद इसी वजह से वो शादी में नहीं आई भगवान करे ऐसी बहन सबको मिले सुनिए मैं उस देवी के दर्शन करना चाहती हूँ क्या आप मुझे उनसे मिलाएंगे मैं खुद उनसे मिलना चाहता हूँ और शायद माताजी भी इसी वजह से परेशान हैं। भगवान करे माँ बेटे की मुलाकात हो जाए मालिक छोटे मालिक माँ जी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई मेरी दाई आंख क्यों फड़क रही है भगवान कुछ अशुभ तो नहीं होने वाला मां शादी में क्यों नहीं आई मैंने तेरा कितना इंतजार किया अब कहीं आने जाने को मेरा दिल नहीं चाहता माँ बस अपना घर अच्छा हम अच्छे गरीबी और स्वाभिमान दोनों का मेल कभी नहीं होता माँ न अपनों की नजदीक जाओ
ना उनकी उल्टी सीधी बात से जीत पा करो। आखिर आदमी कहीं जाता है तो आनंद के लिए, सुख के लिए ना। तो सुख और आनंद की यहाँ कोई कमी नहीं है माँ। सब कुछ ठीक है बेटी, लेकिन मेरे लिए तो आना था। तेरा जो अपमान हुआ था मैं सब भर देती, तेरा मान पान सब कुछ करती। यही मेरी आशा बाकी रह गई। माँ से भी कोई मान अपमान करता है? पारो तू कितनी मानी है, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, तेरे आगे दामन फैलाती हूँ। कुछ भूल जा बेटी, सब कुछ भूल जा, अपने दिल से गुस्सा निकाल दे। निकाल दिया माँ, तुम आई इतनी बात की, मुझे सब कुछ मिल गया माँ, मुझे सब कुछ मिल गया। उठ बेटी, देख शंकर आ गया है क्या? किससे बातें कर रही थी? माँ आई है। माँ और इस वक्त कहाँ है? आओ देखो ना वो क्या है। तुम्हें जरूर वहम हो गया है। नहीं जी, ऐसे कैसे हो सकता है? वो मेरे पास बैठी थी, गले मिली थी, बातें की थी। तुम भी क्यों नहीं आ रहे हैं बेटा? किसी चीज की कमी तो नहीं रह गई? शायद माँ की इच्छा पूरी नहीं हुई पिताजी। कौन सी इच्छा बेटा? मेरी शादी में सबका मान पान हुआ पिताजी, लेकिन माँ की इच्छा के अनुसार शंकर और पारो के अपमान की भरपाई नहीं हो पाई पिताजी। ठीक करे हो बेटा, कह दो, कह दो कि हम सब कुछ कर देंगे, हम सब कुछ कर देंगे। माँ सुना तुमने पिताजी ने क्या कहा? हम सब कुछ कर लेंगे। हाँ माँ, हम पारो दीदी के यहाँ जाकर उसे मना लेंगे, उसे खुश रखने की हमेशा कोशिश करेंगे। दीदी वक्त तक होंठों पर तुम्हारा ही नाम था। तुमसे मुलाकात हो जाती तो अच्छा ही होता। मेरी और उसकी मुलाकात हो गई थी, माँ मुझे मिलने आई थी प्रताप। दीदी इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, दुनिया चाहे न माने लेकिन ये सच है, माँ मुझे मिलने यहाँ आई थी, हम दोनों गले मिलकर खूब रोए थे। दीदी उसने मुझसे कहा, पारो माँ से भी कोई मान अपमान करता है क्या? उसने मुझसे माफी मांगी, मेरे सामने दामन फैला है। भैया मैं नहीं जानती थी क्यों ही मेरी माँ से आखिरी मुलाकात थी, आखिरी। शांत हो जाती है, शांत हो जाती। देखो कामनी की शादी पे जो साड़ी तुमने वापस की थी, ये वही है
तक तुम्हारा गुस्सा नहीं गया दीदी। अब गुस्सा किससे करूं? जैसे गुस्सा कर सकती थी वो तो चली गई। गुस्सा, प्यार, स्वाभिमान सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। बेटा पारो, पिताजी, पिताजी, सब बेटी सब कुछ भूल जा। शंकर, शंकर मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं नहीं पिताजी, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे बच्चों मुझे माफ कर दो पिताजी।